हर बार की तरह इस बार भी कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के रेड कार्पेट पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां जलवा बिखेरती नजर आई है। वहीं इसी कड़ी में पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड दीवा ऐश्वर्या राय का भी कांस 2023 लुक काफी सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं इसे देखकर जहां उनके फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं कुछ एक्ट्रेस को उनके फैशन के लिए आड़े हाथों लेने लगे हैं। और इसी लिस्ट में मशहूर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री का भी नाम जुड़ गया है, जिन्होंने बकायदा ट्वीट कर एक्ट्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल कांस 2023 से ऐश्वर्या राय का लेटेस्ट लुक साझा करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है, क्या आप लोगों ने कॉस्ट्यूम स्लेव्स नाम का टर्म सुना है, वे ज्यादातर लड़कियां हैं और आप उन्हें अब भारत में भी लगभग हर फीमेल सेलेब्स के साथ देख सकते हैं, और ऐसे असहज फैशन के लिए हम इतने मूर्ख और दमनकारी क्यों बनते जा रहे हैं। वहीं विवेक अग्निहोत्री द्वारा साझा की गई तस्वीर में ऐश्वर्या राय सिल्वर और ब्लैक कलर का गाउन पहने नजर आ रही हैं, जहां इसमें लॉन्ग ट्रेल है जिसे एक शख्स ने पकड़ रखा है, और इसी को देखकर विवेक अग्निहोत्री का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है, क्योंकि जहां कुछ लोग विवेक के विचार से सहमति जाहिर करते नजर आए हैं, तो वहीं कुछ विवेक के जरिए ऐश्वर्या को खरी खटी सुनाने को लेकर सवाल पूछते देखे गए हैं, जहां एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, मुझे लगता है कि ब्रांड उन्हें इसी के लिए भुगतान करते हैं। वहीं दूसरे ने विवेक पर तंज कसते हुए लिखा है, आपको जलन क्यों हो रही है, क्योंकि कांस में आपको आमंत्रित नहीं किया गया। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से यूजर एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर अभिनेत्री को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। वहीं अब हम ऐश्वर्या राय की बात करें तो वह कांस 2023 रेड कार्पेट पर पहली बार सोफी कौचर का डिजाइन किया हुआ गाउन पहने नजर आई, जहां एक्ट्रेस इस आउटफिट को पहनकर गुरुवार को हॉलीवुड के दिग्गज हैरिसन फोर्ड की फिल्म इंडियाना जोन्स द डायल ऑफ डेस्टिनी के प्रीमियर में शामिल हुई और पूरी कांस 2023 की लाइमलाइट लूट ली। हालांकि ऐश्वर्या राय की इस लुक पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।